नमस्ते सदावत्सल मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में क्लिक करके जान लेते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत ने फैसला लिया है कि वो 2024 के अंत से 500 किलोमीटर रेंज वाली पल्ले शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल की जगह ले लेगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पृथ्वी मिसाइल का जो उत्पादन था वो कुछ साल पहले बंद हो गया और सभी जो अभी वर्तमान में ऑपरेशनल यूनिट्स हैं पृथ्वी मिसाइल की उन्हें भी 2027 तक हटा दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि भारतीय प्रधानमंत्री ने C295 विमान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की नींव रखी है, जहां पर टाटा एयरबस फैसिलिटी में C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा। और ये आपको मालूम ही है कि भारतीय वायुसेना के 56 C295 जिसका ऑर्डर दिया गया है उसके तहत है। दोस्तों अब कहा जा रहा है कि भारतीय कोस्ट गार्ड को भी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड को भी इस तरीके के 18 एयरक्राफ्ट की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय आर्म फोर्सेस की जो स्पेशल ऑपरेशन डिविजन्स हैं उन्हें भी इसी तरीके के स्पेशलाइज्ड वेरिएंट की जरूरत है ताकि वो इसके जरिए स्पेशल ऑपरेशन कर सके। दोस्तों यहाँ पर एक बात और सामने आई है, जो C295 एयरक्राफ्ट का जो मैरिटाइम वेरिएंट है उसकी तरफ भारतीय नौसेना का ध्यान है, जिसमें कि ये जो मैरिटाइम वेरिएंट वाला C295 है इसमें एंटी शिप मिसाइल टॉरपीडो और रिकॉग्नाइज और जैमिंग पॉड इंस्टॉल किए जा सकते हैं, जिन्हें कि इसके पंखों के नीचे जो हार्ड पॉइंट्स है वहां पर लगाया जा सकता है और साथ ही इसकी बेली में रडार को माउंट किया जा सकता है ताकि इसका इस्तेमाल मैरिटाइम ऑपरेशन के लिए किया जा सके। यानी कि दोस्तों यानी कि ये जो टाटा एयरबस फैसिलिटी है जो C295 एयरक्राफ्ट को तैयार करेगी वो केवल भारतीय वायुसेना तक सीमित नहीं रहने वाली, बाकायदा इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जाएगी। नौसेना को भी इसकी यूनिट चाहिए, इंडियन कोस्ट गार्ड को भी इसकी जरूरत है, इंडियन आर्म फोर्सेस को भी इसकी जरूरत है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। प्राइवेट सेक्टर फर्म पारस एरोस्पेस अब SU-30MKI के लिए एक सेल प्रोटेक्शन जैमर पॉड को बना रहा है। इसका नाम आश्रय रखा गया है, जो कि एक हाई बैंड ISR और डिजिटल रेडियो फ्रिक्वेंसी मेमोरी बैंड जैमिंग पॉड है, जो कि एडवांस प्रोग्रामेबल कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट जैमिंग टेक्निक्स पर आधारित है। और खास बात यह कि इसे ऑन बोर्ड रडार वार्निंग रिसीवर और एवेनिस के साथ इंटीग्रेटेड किया जा सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत के ड्रोन निर्माता रेडॉन सिस्टम ने बैरल लॉन्च लॉयटरिंग म्यूनिशन सिस्टम को तैयार किया है, जो कि मल्टी बैरल लॉन्च क्षमता के साथ है और इसका इस्तेमाल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ स्वार्मिंग मोड में भी किया जा सकता है। साथ ही साथ ये दुश्मनों के वाहन उनके फ्यूल और एमुनिशन डिपोज को भी खत्म कर सकता है और ये अपने साथ 1.5 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इसका स्ट्राइक रेडियस 30 किलोमीटर का है और ऑपरेशनल एल्टीट्यूड 3500 मीटर का है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। दोस्तों भारत डायनेमिक्स ने हाई एल्टीट्यूड टैंक डिस्ट्रॉयर को तैयार किया है, जिसका नाम संघारिका है। इसे अशोका लीलैंड 4x4 लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल पर माउंट किया गया है, जिसमें की 2.8 किलोमीटर रेंज वाली अमोगा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाई गई है और ये दुश्मन के 650 mm आर्मर को भी पेनिट्रेट कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ भारत डायनेमिक्स ने आर्म व्हीकल लेजर गाइडेड शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम बनाया है, जिसका नाम संहारिका है, जिसे की महिंद्रा के 4x4 आर्मोडो वाहन पर लगाया गया है, जिसमें की स्टार ट्रिक लेजर बीम राइडिंग एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लगा है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों फ्रांस ने अब भारत को अपने 6th जनरेशन ISR रडार का ऑफर किया है भारतीय वायुसेना के 36 राफेल फाइटर जेट्स के लिए और इन्हें तब लगाया जाएगा जब भारतीय राफेल विमानों का मिड लाइफ अपग्रेडेशन होगा। वहीं जो फ्रांस की एयरफोर्स है वो भी 6th जनरेशन के इस रडार को इंटीग्रेट करेगी फ्रांसीसी राफेल F5 वेरिएंट में, वो भी 2030 से। आपको मैं बताना चाहूंगा कि फ्रांस ने भारत को राफेल F4 वेरिएंट का भी ऑफर किया है, जिसे कि 114 MRFA प्रोग्राम के तहत उन्होंने ऑफर किया है। और आपको मालूम है कि इस वक्त फ्रांस फर्म डेसॉल्ट एविएशन का जो राफेल विमान है वो इस रेस में सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि वो पहले ही भारतीय वायुसेना को 36 F3R राफेल फाइटर जेट्स की आपूर्ति कर चुकी है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों अभी हाल ही में आर्चर आर्म UAV ने अपना मिसाइल कैरिज फ्लाइट ट्रायल को पूरा किया है, जिसमें कि एक नकली हथियार को इससे छोड़ा गया था और अब कहा जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में इसमें हथियार लगाए जाएंगे और करीबन 20 यूनिट्स को तैयार किया जाएगा, जिन्हें कि भारतीय वायुसेना और भारतीय आर्मी को यूजर ट्रायल के लिए दिया जाएगा और अगर ये अपनी परफॉर्मेंस में खरा उतरता है तो 100 यूनिट्स के ऑर्डर दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत मेसर्स टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड कोलकाता के साथ अभी हाल ही में 159.5 करोड़ रुपए की लागत से 6-25 टन की बोलाट पुल ट्रक निर्माण का अनुबंध किया गया। इस ट्रक का निर्माण अगले 30 साल की सेवा के लिए किया गया है।
ये टग नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों को बंदरगाहों में उसकी जगह तक पहुंचाने और उसे निकालने में और सीमित पानी में घुमाने और चलाने में सहायता करने में सक्षम होंगे। ये टग बंदरगाह पर और आसपास खड़े जलपोतों को पानी में तैरते हुए अग्निशामक सहायता भी प्रदान करेंगे, साथ ही इनका इस्तेमाल खोज और बचाव कार्यों के लिए भी किया जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जिस तरीके से आपको मालूम है कि ताइवान और चीन का विवाद बढ़ा हुआ है, लेकिन अब चाइना हर छोटी बड़ी घटना पर नजर रखना शुरू कर चुका है। ऐसे में दोस्तों अब ताइवान के जो टॉप मिनिस्टर हैं, वो अपने दल बल के साथ भारत आ रहे हैं। ऐसे में चाइना को टेंशन जरूर होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ताइवान भारत में एक सेमीकंडक्टर बनाने की इंडस्ट्री स्थापित करना चाहता है और उसका ध्यान मुक्त व्यापार यानी कि FTA पर भी है। भारत और ताइवान के बीच ये जो नजदीकी है वो और ज्यादा कब बढ़ी, जब पूर्वी लद्दाख में चाइना ने सीमा पर हालातों को खराब करने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले भी जब भी ताइवान के नेता भारत आए हैं तो चाइना ने विरोध दर्ज कराया है। 2017 की अगर मैं आपको बात बताऊं तो उस दौरान भी ताइवान का एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। ऐसे में चीन ने भारत को चेतावनी दी और कहा कि भारत को वन चाइना पॉलिसी का पालन करना चाहिए और ताइपे यानी कि ताइवान के साथ कोई आधिकारिक संबंध नहीं रखने चाहिए। उस दौरान चाइना की सरकारी भूपों ने भी कहा था कि भारत ताइवानी डेलीगेशन की मेजबानी कर आग से खेल रहा है। आपको मैं बता दूं कि इसी हफ्ते ताइवान का मंत्रिमंडल भारत आएगा। दूसरी बात यह कि ताइवान दुनिया भर में सेमीकंडक्टर का प्रमुख उत्पादक देश है। ये सेमीकंडक्टर 5G, सूचना सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत के साथ अपनी विशेषज्ञता को साझा करना चाहता है। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन और भारत की मेटल माइनिंग कंपनी वेदांता का ज्वाइंट वेंचर गुजरात में एक सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने की दिशा में काम कर रहा है, जहां 2025 से उत्पादन शुरू हो जाएगा। भारत पिछले एक दशक में ताइवान के साथ अपने संबंधों को काफी मजबूत कर चुका है, जहां भारत और ताइवान के बीच द्विपक्षीय कारोबार 2006 में $2 अरब था तो 2020 में वो बढ़कर $5.7 अरब तक पहुंच गया। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो करीबन 106 ताइवानी कंपनियां भारत के विभिन्न सेक्टरों में काम कर रही हैं। इनका कुल निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट $1.5 अरब का है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कि संयुक्त अरब अमीरात ने ईरानी खतरे से बचने के लिए बराक मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है, जिसमें कि कम से कम 2 इजरायली बराक वायु रक्षा प्रणालियों को तैनात किया गया है। और खबर तो ये भी आई थी कि यूएई ने इसराइल से स्पाइडर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को भी खरीदा है। इस सिस्टम को भारत भी इस्तेमाल करता है। स्पाइडर सिस्टम ड्रोन विमानों के खिलाफ काफी कारगर माना जाता है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2 मिसाइल लॉन्चर और एल्टर रडार यूएई के एयरबेस पर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर तैनात है। इसके अलावा इसराइल और खाड़ी के देश एक संयुक्त हवाई डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहे हैं और इसकी शुरुआत अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद हुई है। इसका मकसद है कि ईरान के ड्रोन और मिसाइलों के खतरों से निपटना, क्योंकि दोस्तों पिछले 2 सालों में ईरान ने अप्रत्यक्ष तरीके से कई बार सऊदी अरब, यूएई और इराक में तेल डिपो, समुद्री पोर्ट और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों को ईरानी सेना ने हूती विद्रोहियों और अन्य संगठनों की मदद से अंजाम दिया था और ईरान मुख्य तौर पर अपने आत्मघाती ड्रोन विमानों की मदद से हमले कर रहा है, जिसे उसने रूस को भी बेचा है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने उद्योग जगत के सामने एक प्लान रखा है। इसरो भारी भरकम पेलोड कक्षा में स्थापित करने और दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में रॉकेट को अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान यानी कि NGLV कहा गया है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन जी ने कहा है कि अंतरिक्ष एजेंसी रॉकेट के डिजाइन पर काम कर रही है और चाहेगी कि इसके विकास में उद्योग उनके साथ साझेदारी करे। दोस्तों अगर भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने में सफल हो जाता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसीलिए होगी क्योंकि भारत का भी अंतरिक्ष में अपना वर्चस्व स्थापित हो जाएगा और भारत भी गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।